था, मैंने जल्दी जल्दी बुला दिया. थैंक यू सर. तो जितना ये मज़ा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे ही हमने पूरा सेट पे किया. तो ये फिल्म बनाने का जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे, और ये जर्नी जो शुरू हुई थी, मैंने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी बहुत साल पहले एक हिंदी लिटरेचर का एक साहित्य कला एकेडमी से एक बुक आती है उनकी बाय मंथली, उसमें एक कहानी थी दो बहनों की और चरण सिंह पथिक करके एक राइटर हैं राजस्थान के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर. तो ये उनकी कहानी थी. और एक और मैं भेद खोल ही दूँ, ये भी बायोपिक है. सर ये इसलिए कि मिल्खा सिंह के ऊपर बायोपिक बन गई. नहीं, मैंने सुना धोनी भी बायोपिक, दोनों की बायोपिक थी. यस. पर ये एक्चुअली ये दो रियल सिस्टर्स हैं. चरण सिंह पथिक जी के जो दो भाई हैं, वो तीन भाई हैं, उनके दो भाइयों की शादी दो बहनों से हुई है. और जो हमने ट्रेलर में दिखाया है कि वो शादी होके एक घर में जाती हैं, तो शॉर्ट स्टोरी जो थी वो शुरू वहाँ से होती है जब वो घर में ब्याह के पहुँचती हैं. तो अभी ये हमारी कहानी बहुत जो असली शॉर्ट स्टोरी थी वो इसके बाद शुरू होती है. और इस फिल्म को बनाने में मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि जो एक एनर्जी थी सेट के ऊपर, सुनील, राधिका, सान्या, नमित, अभिषेक, विजयराज, विजयराज जी स्पेशली, वाह वाह वाह. तो बहुत हम लोगों ने इतना मज़ा किया. और यू नो आई वेंट बैक टू माई अर्लियर डेज जब मैंने मकड़ी बनाई, ब्लू अम्ब्रेला बनाई, स्पेशली मुझे मकबूल बहुत याद आती थी. वहाँ जिस तरीके से हम लोग काम करते थे और जिस तरह से हम लोग एक जगह में रहते थे, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे शायद मेरे ऊपर बहुत एक काफ़ी सालों से मैं स्टार्स के साथ काम करता रहा था. स्टार्स इन द सेंस जो कि स्टार्स का बैगेज. हाँ सर, बोल दो अभी जो है सच्चाई बोल दो अभी. मैं इन द सेंस सर ने बोला स्टार्स का, काफी मित्र देखा कहते स्टार इन द सेंस. हाँ बोलो सर, बोलो जो दिल में बोलो. नहीं नहीं देखो, एक ही स्टार था, मैं तो सुनील और. अरे सर नहीं नहीं, अभी राधिका, अभी राधिका अभी भी सब जगह जहाँ होता है कि अरे इस प्रोग्राम में इवेंट में प्रमोट करने जा रहा है, सुनील तो है नहीं तो लेट करो. सुनील कब वापस आ रहे हैं? 28 को. पर हमारा लेट हो जाएगा. नहीं, सुनील के बिना हम नहीं कर सकते. तो सारी मार्केटिंग टीम या अभी है या. अरे मैं बैठा घर पे ही था, मैं कह देता हूँ. उससे क्या थोड़ा इम्प्रेशन मुझे पड़ता है. तो सुनील के बिना कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है. तो ये मुझे जो लिबरेशन हुआ, आई फील सो लिबरेटेड आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म. और ये फिल्म हमने 30 दिन में पूरी की है और बहुत बहुत ही ज़्यादा. और ये लगा कि पूरी क्यों हो गई और कब पूरी हो गई ये भी पता नहीं चला, क्योंकि वी ऑल मिस ईच अदर. पहले इस फिल्म का, इसके टाइटल को लेके एक बड़ी, शायद आप लोग पूछेंगे भी, बट पहले इसका नाम कुछ और था. तो वो मैंने छुरियां नाम था इसका, पर हर कोई उसको ये बोलता था. कोई बोलता था चोरियां हैं, कोई बोलता था छुरियां हैं. मेरा अकाउंटेंट मेरे पास आता था रोज़ साइन कराने के लिए, चूड़ियां में से पैसे निकालने. सो मैं इतना इरीटेट हो गया था कि मुझे इस फिल्म का टाइटल बदलना है. और मुझे लगा जब मुझे पटाखा टाइटल सूझा तो राधिका के अलावा सबको पसंद आया था. फिर सर ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ, आप तो पटाखा ही होगा. तो बहुत बहुत मुझे लगता है टाइटल. उसके बाद फिर गुलदार साहब ने, जब मैंने गुलदार साहब से बाउंस किया तो हम लोग दिल्ली में थे और रात को हम लोग डिनर पे बात करे, तो मैंने एक्चुअली सोचा था पटाखे. तो गुलदार साहब ने मुझे थोड़ी देर बाद बोला कि इसका नाम पटाखा रखो और ये मुखड़ा देखो कैसा है, दाएँ पटाखा बाएँ पटाखा, बाजे धाएँ 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 पटाखा. उन्होंने बोला बस प्रॉब्लम एक ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान में पटाखा बोलेंगे, यहाँ सब पटाखा बोलेंगे, फटाखा बोलेंगे. सो क्योंकि पंजाब में तो फटाखा कहेंगे. तो इसका जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ पाकिस्तान में होगा. तो मैंने कहा वो भी अच्छा, वो भी हमारी फिल्म का ही थीम है, पाकिस्तान और हिंदू. हमारी दोनों बहनें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बहनों की तरह हैं, तो वही लड़ती रहती हैं ऑन स्क्रीन भी और बॉर्डर पर भी. तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा थीम रहेगा, वहाँ पटाखा बोलेंगे, यहाँ हम सिखाएंगे कि पटाखा बोलते हैं. तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं दोनों पटाखों को यहाँ बुलाता हूँ, जिनसे कि मुझे इतनी एनर्जी मिली है सेट के ऊपर एंड मैंने बहुत सालों बाद फिल्म मेकिंग को एंजॉय किया है. और ये जो पहली दो लड़कियाँ हैं जिन्होंने वेट गेन किया है इस फिल्म के लिए, खाया है, वरना लड़कियाँ हीरोइन जो होती हैं वो वेट लूज करती हैं. I'm the main girl of the film. मिलिए
बड़की से इनकी पहली मूवी है तो इनसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा. सो फनी. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सेकंड फिल्म विशाल जी के साथ है और तुम्हारी भी दूसरी फिल्म है. अभी तक तुम्हारी कुछ ऐसा नहीं है. बट है तो ना दूसरी है. बहनों के वाली, बहनों के साथ वाली. तुम रहने दो कोई. लेकिन पहली फिल्म है 10 फिल्मों के बराबर थी. क्या बोले? नहीं आप बोलिए. अच्छा मैं बोलूं. मैं जब इन्होंने भी अपना बताया कि जब सर का कॉल आया तो मेरी मैनेजर का भी मुझे कॉल आया था और तब मैं एक और फिल्म का शूटिंग कर रही थी दिल्ली में. तो उन्होंने बोला कि विशाल जी एक फिल्म बना रहे हैं. तो मेरे दिमाग में फिल्म तो बना रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हें ना उसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा हाँ टेस्ट तो करना चाहते हैं. मतलब कर देंगे अभी. मिले ना मिले कोई बात नहीं. विशाल जी के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा. पर मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि सर आप मुझे फिल्म में ले लोगे. मुझे ये था कि अभी मतलब व्हाई मी. पहले सर के दिमाग में भी नहीं था टेस्ट से पहले. तुम्हारा टेस्ट देखने के बाद उनके दिमाग में आया. नहीं और जब मैंने वो तीन सीन मैंने पढ़े और मैं पढ़ के बहुत खुश हुई क्योंकि चुटकी आई थिंक मैं बाहर से तो ऐसी हूँ पर अंदर से मैं बिल्कुल चुटकी हूँ. और ऐसी लड़ाइयाँ कुतिया खुजली वाली मैं हमेशा से करना चाहती थी. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. और रही बात बड़की की वो बस आ गई. मैं आपको अपना तुम्हारी तरह नहीं हमारे पास सेट पे स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी. हमें मेहनत करना होता था ऑडिशन देने होते थे. मैंने भी दिया है. ओह प्लीज. सो मेरे तीन राउंड हुए हैं ऑडिशंस के. भाई तीन राउंड लगे सोचो. मेरे को तीन राउंड. पहले दो में मैंने पार कर लिया काफी लोगों को पिछाड़ के. एंड देन थर्ड राउंड में मुझे विशाल सर मिले. एंड मुझे भी ऐसा लगा था मुझे क्यों लेंगे. करीना कपूर है. बट थैंक यू सर एक न्यू कमर में अपना बिलीव दिखाने के लिए. एंड आई लव्ड द जर्नी. एंड इतना कुछ सीखा है मैंने. एंड कितना कुछ सिखाया है मैंने सान्या को. गुरूर नहीं है बिल्कुल भी. बोल ले बेटा बोल ले. पर बीड़ी पीना किसने सिखाया ये बताओ. बीड़ी पीना मैंने. थैंक यू गाइस. इन्होंने बिल्कुल नहीं सिखाया है. हमने खुद सीखा. ये आते खुद ही है कि मैंने नहीं कहा कि मैंने सीखा. अच्छा विशाल सर क्या पहली बार क्या बोला था राधिका ने तुम्हें. ओह हाँ मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहूँगी. तो मैं पहली बार राधिका से मिल रही थी और हाँ और मैं पहली बार मिल रही थी और मैं जब पहली बार लोगों से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा सेमी सेमी डरी डरी सी होती हूँ. तो मैं वैसी थी राधिका के साथ और राधिका एकदम ऐसे की हाय कैसी हो ऐसी मिली मुझे. और मिलती विद इन 10 मिनट्स शी वॉज लाइक मैं तो तुझे खा जाऊंगी. और मेरे दिमाग में ये था कि हे भगवान ये मुझे क्यों खाएगी. मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उसने ऐसा कुछ बोला. पर फिर मुझे ये बहुत उसके साथ काम करके पता चला कि ये बात ही ऐसे करती है और मतलब Thanks. ऐसी ही है. मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था. मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर यही सब आता रहता है. एंड सान्या ने भी मुझे सेकेंड हाफ से पहले बोला था मजाक में बोला था. मैंने तो बड़ा सीरियसली स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था तुझे. रात का ओ प्लीज सेकेंड हाफ से पहले सान्या ने मुझे धमकाया कमरे में बुला के. आगे से कभी ऐसा अंजी नहीं. उसने बोला तू तो गई बेटे सेकेंड हाफ तो मेरा है. झूठी. तूने बोला और मैं बेचारी वेट गेन की हुई भाग भी नहीं पाई वहां से. ये अभी भी देखिए कैरेक्टर में अभी भी लड़ रही है दोनों ने. अभी हैंगओवर उतरा नहीं है पिक्चर की शूटिंग का. क्या बताएं लेकिन आप आपका है. अच्छा बाल लोचने में कितना मजा आया एक दूसरे का सबको बताना चाहेंगे आप. क्या ही बताऊं. एक जो सीन था जो जब आप गोबर फाइट कर रही थी एक्चुअली जब हम ओ हां और एक माउंट आबू में तो जो चमाट मारी थी आपने तो वो भी वो किस सच में दिल से मारी थी या लग गई थी या क्या. आपको चमाट मैं बताती हूं क्या. तो हमारे फिल्म में एक बेली फाइट हुई जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाटे मारे जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा. ठीक है. और पहली फाइट स्टार्ट हुई राधिका जी ने मुझे लात मारना स्टार्ट किया. एक बारी पड़ी दो बारी पड़ी तीन बारी पड़ी और मेरे यहाँ पे मुझे स्पैज़म हुआ. तो मैंने राधिका को साइड ले जाके पूछा तू लात मारने वाली है या चाटे मारने वाली है. तो उसने बोला कि मैं जो भी आएगा मुझे करेंगे. अब सेकेंड फाइट स्टार्ट हुई. अब मैं बताऊंगी. ठीक है. मैं ऑलरेडी गिल्ट में थी कि मैंने लाते मार दी उसको. मैंने फर्स्ट फाइट में खा भी लिया था उसका बदला इसने ले लिया था तभी. सेकंड फाइट हुई तो मैं ऑलरेडी काफ़ी कॉन्शियस थी एंड मुझे नहीं करना था. तो
मैं स्टार्ट होती है तो फाइट स्टार्ट होती है, मुझे टर्न करती है और मुझे थप्पड़ लगाती है खिंचा कर, तो मुझे लगा क्या ही कर लेगी, कितना ही कर लेगी। तो मैं जाती हूँ, स्टार्ट होता है, मैं पलटती हूँ, खिंचा के इसने मेरे को एक लगाया, खिंचा के, और पूरा सेट साइलेंट, पूरा सेट, और मैंने खुद से मुझे आगे करना था, मुझे आगे मारना था, और मैं सिर्फ शांति, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हुआ था। सेकंड फाइट से पहले मैंने से पूछा था कि तू चाट मारने वाली है, क्योंकि मैं तो एक्टिंग करूँ, तुझे बोला चाट है तो मैं जरूर मारूँ, तो ये मेरे दिमाग में रह गया कि ये चाटे जरूर मारने वाली है, तो इससे पहले मैं कहूँ मैं पहली मार देती हूँ। तो जी हाँ, और ये वो पोस्टर है सेकंड फाइट से पहले का, और ये जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ नहीं है, ये असली गोबर है, ये असली गोबर है, तो जिसका अलग ही सुकून था शूट करते समय, क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें बहुत ठंड लग रही थी, और जब तक हम गोबर में पहुंचे हम दोनों बहुत खुश थे, तो हमें लग रहा था हाय हाय गरम गरम गोबर बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तेरा मुंह डालूंगी गोबर में, अब तू मेरा मुंह डाल, अब हो रहा था कि मेरा मुंह डाल दे यार, मेरा मुंह डाल दे प्लीज यार, और ये बरसात नहीं है, ये गोमूत्र है। ये नहीं पता था मुझे इसके ऊपर, ये नहीं पता था सर, नहीं आने पर लड़ाई से आके एक बार सानिया ने मुझे बोला था कि आप प्लीज कट मत करना, हम लोग मारेंगे एक दूसरे को, तो आप कट मत करना, कभी डर के मारे कट कर दो। हाँ। हम एक दूसरे को मारेंगे डिसाइड नहीं होता कि मैं मारूंगी, इसने सोचा था, बोला था एक दूसरे को मारेंगे, मैं मारूंगी, और राधिका चुपचाप खड़ी रहेगी और सेट पूरा चुप होगा कि अब क्या होगा। पर बहुत मजा आया, जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन था राधिका पे, वो खा जाए वाली बात पे मैंने सारी फाइट निकाल। और जब आप फिल्म के सेकंड हाफ के लिए जब आप तैयार हुई, ऐसा बड़ा कम रेयर होता है कि मैं कोई भी लड़की सिर्फ खाती है सेट पे, मैंने ये देखा जब भी शॉट नहीं है तो वो सिर्फ खा रही है, इन दोनों का काम था सिर्फ खाना, विशाल सर ने इस वजह से एक महीना ब्रेक लिया कि ये सिर्फ खाएंगी और वजन बढ़ाएंगी, तो वो अनुभूति कैसी थी आप लोगों की? एक्चुअली लोग डरते थे कि हमें यूजुअली होता है कि यू नो आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड यू नो आई नीड टू वर्क आउट एंड दिस एंड दैट, बट ये पहला सेट था जहाँ पर लोग टेंशन में आ जाते थे कि एक किलो पतला हो गई है, एक किलो पतली हो गई, इसको क्या करें, शिट क्या करें, क्या करें, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ, ये पहला सेट था जहाँ पर ऐसा होता था, और हमें भी लगता था हाँ यार, हमें टेंशन होती थी कि हम कैसे लूज कर रहे हैं यार, क्यों इतना खा रहे हैं हम, हाँ यार मैं पतली लग रही हूँ ना, नहीं यार मोटी लग रही है। बट बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है दंगल से पहले मैं काफ़ी अनहेल्दी थी, मैं रोज़ पिज्ज़ा खाती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी, वो दंगल के बाद मुझे ऐसा फिटनेस का चढ़ा चस्का, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, बट मेरा मैं हर दिन अगर मैं कुछ भी फॉलो कर रही होती थी डाइट, मैं हमेशा चीट करती थी, और मुझे लगता है ये पटाखा के इस बाद हमने डाइट पे बिल्कुल चीट नहीं किया, क्योंकि मैंने एक महीना बहुत खाया और जम के खाया, और कितना मज़ा, मतलब सेट पर 6 पैनकेक आ रहे हैं, अब फ्रेंच फ्राइज आएंगे, अब सैंडविच आएगा, अब हम थोड़ा शेक वेक पी लेते हैं, बहुत बहुत मजेदार। डर लगता था लोगों को अपनी प्लेट प्लेट बजाना कि कुर्सी में ही ना खानी शुरू कर दें। सिर्फ 6 रसगुल्ले आए हैं डिजर्ट के लिए, 6 में मेरा क्या होगा। और फिर क्योंकि फिल्म की स्टोरी की डिमांड थी कि हम लोग फिल्म में 5 साल बाद कट करते हैं, तो उसमें दिखाना था कि ये इन लोगों का 5 साल बाद इनकी क्या हालत हुई है ससुराल में और पतियों के साथ जिनके साथ ये भागी थी, तो अब इनके पतियों को जरा बुला के पूछना चाहिए। पर विशाल सर एक सवाल उससे पहले, आप देखिए आप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, आप लिखते भी हैं, आपने कहानी भी लिखी, डायलॉग्स भी लिखे हैं, म्यूजिक भी देते हैं आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक्टिंग कब कर रहे हैं सर आप अभी? बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, इन लोगों ने एक शॉट करवाया जबरदस्ती मुझसे, जो होगा सर जो है, बहुत सर ने बहुत, आप सब देखेंगे विशाल सर का डेब्यू इन पटाखा। मेरा बहुत बुरी हालत थी मेरी, तो मुझसे जबरदस्ती इन लोगों ने लास्ट शॉट एक कराया, बहुत अच्छा, और सर ने उस चक्कर में एक सीक्वेंस ऐसा बना दिया कि सब लोगों के मुंह पे रंग लगे हुए हैं, लगा के आए क्योंकि मैं कम से कम देखूं, लेकिन आप दिखे और बड़े अच्छे दिखे सर। हाँ तो आप इनके क्या बता रहे? मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, मैं एक्चुअली कैमरे के पीछे आई एम ए डिफरेंट पर्सन, कैमरे के सामने आती है मेरा कुछ दूसरा हो जाता है, जो मुझे आप लोगों से सीखना, मैं नहीं सीख पाया कभी वो चीज़। सर, क्या बात, क्या पर कैमरे के पीछे मुझे आता है काम, कैमरे के पीछे तो सर, चलो सर थैंक गॉड आप एक्टिंग नहीं करते, नहीं तो डिपर का कैरेक्टर आप ही कर रहे होते, तो मैं क्या कर रहा होता। तो माय इंग्लिश टीचर फ्रॉम इंडियन आर्मी विष्णु एंड मेरी नस उतारने वाला।